परमेश्वर का आदेश हुआ है। मार धाड़ से भरपूर घमासान महाभारत आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक मिनट का समय चाहूंगा बाल गोपाल मंडल से, हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानी श्री राम मूर्ति जी पटेल बारंगी, जिनका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर निरंतर रहता है, ऐसे सम्मान साथ में सम्मानी उपस्थित मनोहर लाल जी, बैंकर जी बीजनवाड़ा, सम्मानी मालक जी चौधरी जी रामनगर, सम्मानी माने गिरिराज सिंह जी चौधरी सिलारी, उपस्थित समस्त मंचासी समस्त महानुभाव का मन से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मंच परमेश्वर का, ये मंच शायद स्वर्ग का मंच हो, क्योंकि बोरना गांव में पहली बार ये भजन प्रतियोगिता हो रही है और पहली साल में इतने सारे पूरे प्रदेश के विख्यात विख्यात भजन मंडल आज इस पावन धाम पर पधार चुके हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। समर मैदान में कई होता है, मर कर मिट कर ललकार कर घुर्रा कर फुसकार कर चले गए, कुछ बच गए हैं जो अब कुछ हमारे हाथ मारे जाएंगे। महाभारत में एक ऐसा छोटा और वीर योद्धा अभिमन्यु, गुरु द्रोण चक्रव्यूह का जाल रचाते हैं। आज सारी पांडव सेना चिंतित में पड़ जाती, चिंतन हो जाती है, चक्रव्यूह को कौन भेदेगा। अभिमन्यु हौसला ले जाते हैं, कहा दादा मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है, आप घबराइए नहीं, मैं चक्रव्यूह के द्वारे पर जाऊंगा। जैसे ही चक्रव्यूह में अभिमन्यु चले जाते हैं, सामने जयद्रथ आते हैं, जयद्रथ ललकार तो ही कहते हैं, अभिमन्यु बेटा तुम बच्चे हो, बाली उम्र है तुम्हारी, इस समर मैदान में लड़ोगे तो मर जाओगे। अभिमन्यु ललकारते हैं, कहा बच्चा समझने की भूल ना करना, हमने भी कोई कट्टी गोलियां नहीं खेली है, जो काम इतनी सी सुई करते थे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी नहीं कर पाती है। ललकार तुम्हें क्या कहते हैं, पाओगे लड़ना पड़ेगा नहीं तो मरना। परम आदरणीय श्री गोविंद सिंह चौधरी जी रिटाल खापा से, उनकी वर्ष 51 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय श्री मुन्ना लाल जी भैया पटेल साहब तेलसिर से 101 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय श्री राजू भैया पटेल साहब खपरिया से 101 रुपए का आशीर्वाद। परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पटेल शिवानी गार्डन बीजनवाड़ा से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। सभी दानदाताओं को सादर नमस्कार करते हैं। क्या गिना है Wow!
बड़ा होता है, जिसका जिस्म नहीं जिगर बड़ा होता है। कामयाबी भी कदम चूमती है उन्हीं के जो मौत के सामने भी बेखौफ खड़ा हो। देखिए भैया, कई अनुभव एवं तजुर्बेकारी लोग आए हैं कि दुश्मन तेरे इरादों को हम नाकाम कर डालेंगे, अगर उठाई आंख हमारी तरफ तो तेरी आंखें निकाले डालेंगे। अभिमन्यु क्या कहते हैं, छोटा बच्चा समझने की मुझसे भूल ना करना। अरे छोटा बच्चा चाहते कि हमसे ज्यादा बड़बल के बात कर रहे हो। अरे छोटा बच्चा चाहते कि हमसे क्या कहते हैं, मत कर बड़बल, मत कर बड़बल, में जाते हैं सातवें द्वार पर जैसे पहुंचते हैं सामने जयदेव जयद्रथ आ जाते हैं और अभिमन्यु पर इतना बड़ा अस्त्र चला देते हैं जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अर्जुन को यह बात पता चली मेरे लाल को मारा है, बड़ी कायरता की हद पार कर दी है कि जनाना जैसी आवाजें निकालता है, चिल्लाता भी और घुर्राता भी है। मेरे लाल को मारा, समर मैदान से बच के कोई नहीं जा पाओगे। क्या होता है, अरे आजा समर में तू टकरा ले, सारे धुरंधर आज बुला ले। क्या कहते हैं, वन टू थ्री फोर, आज देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने वाला है।
मुझे अर्जुन को मारना होगा, वो जयद्रथ को मारना होगा। प्रतिज्ञा कर लेते हैं, क्या कहते हैं? आज इन कायरों ने मुझे इस प्रकार का धोखा दिया है। जानकर लोग बेटे हैं, ये धुन शायद इस मंच से क्या सेमरी की एक भी मंच से आपको सुनने को नहीं मिली होगी। क्या कहना है? अरे इन कायरों ने आज मुझे ये धोखा ये दे दिया, क्योंकि भैया बिल्कुल कथा के ऊपर ही है, कथा के ऊपर ही बिल्कुल ये भजन आप सुनने जा रहे हैं। अरे इन कायरों ने आज मुझे अरे धोखा ये दे दिया। क्या कहते हैं? इन कायरों ने आज मुझे धोखा ये दे दिया। चढ़ गया यमने 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 तुम्हें याद किया है।